हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब भाई आशीष राठी। और मुझे बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है गाइस, फाइनली बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद अपनी विकेट बन चुके हैं, अपने नेट्स बन चुके हैं, जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी था, बेसिक रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा अपना बन चुका है, उसका बहुत खुशी है मुझे। और इस बात से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे मम्मी के हाथों ये उद्घाटन हुआ है। रिबिन काटने के लिए बहुत सारे जन थे, बहुत सारे, पर मैं मेरे मम्मी के हाथ से रिबन कटवाना चाहता था। और इसका रीज़न आपको पता है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई नहीं है पब्लिकली, और वो बता भी नहीं सकता हूँ, शायद कभी नहीं बता सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें किए जहाँ मैं क्रिकेट कब का छोड़ दिया रहता अगर मेरी मम्मी ने वो साथ नहीं दिया रहता। तो आई होप कि आप प्यार देते रहेंगे गाइज, आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। पर्सनल कोचिंग भी अवेलेबल है, जा क्रिकेट कोचिंग, या बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट का मेरे हिसाब से, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा हम जो चीज़ों पे, टेक्निकल चीज़ों पे से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन, माइंडसेट रिगार्डिंग, जो एटीट्यूड रिगार्डिंग, वो डिफरेंस है। कभी भी आप देखना कि एक बड़े लेवल में और एक छोटे लेवल में, छोटे लेवल के एक जो क्लब लेवल क्रिकेटर है और बड़े लेवल के क्रिकेटर में बैटिंग टेक्निक वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, टेक्निक का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता होगा 19-20, पर सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रहता है एटीट्यूड का, माइंडसेट का। और हम वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, वो माइंडसेट रिगार्डिंग हम उस पर वर्क कर रहे हैं, जो कि मैं अराउंड पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा क्लब पे जा चुका हूँ, पूरे इंडिया में नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे क्लब में जा, बहुत फेमस क्लब्स में भी जा चुका हूँ, पर वहाँ ये चीज़ों पे वर्क ही नहीं किया जाता है। ये टेक्निक पे, तो टेक्निक तो बहुत लोग इम्प्रूव कर देंगे आपकी, ये मैं लिख के देता हूँ, टेक्निक 100 लोग इम्प्रूव कर देंगे, पर जो माइंडसेट और जो बोलता है वो फॉलो करता है, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे मुझे दो जगह मिले हैं, दो क्लब मिले हैं आज तक, जहाँ दो या तीन, तीन मैं गिन के बोल सकता हूँ कि पूरे अब तक के मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तीन क्लब मिले हैं जहाँ वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और जो सर बोल रहा है वो खुद भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, और यहाँ बहुत बड़ी क्या बोलते, तो इम्प्रूवमेंट होती है, सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। और मेरे जो भी क्लब में आएंगे लड़के, ज़रूरी नहीं 100 में से 100 लड़के क्या बोलते तो इंडिया खेलेंगे, नहीं, पर जो भी फील्ड में रहेंगे, जैसा भी करते रहेंगे, उनका माइंडसेट वो स्ट्रांग रहेंगे, वो फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है गाइस कि ये चीज़ों पे वर्क करना। टेक्निकल आस्पेक्ट पे तो सभी जन वर्क कर रहे हैं, टेक्निकल आस्पेक्ट एक तरह से बहुत शैलो रहता है, बहुत लिमिटेड रहता है। और ये जो माइंडसेट रिगार्डिंग, विजुअलाइजेशन रिगार्डिंग, ये जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन रिगार्डिंग, ये बहुत हाई लेवल की रहती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम प्यार देते रहिए, जुड़िए मुझसे, जिनको भी कांटेक्ट करना है वो व्हाट्सअप पे, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की हमने सुविधा रखी है, बाहर से जो बाहर कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, जो अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, उनके लिए भी हॉस्टल फैसिलिटी है, तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।